Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र अपना जीवन संघर्ष में बिताया। उन्होंने देश की आजादी से लेकर के आखिरी सांस तक कैसे देश आजाद हो इस बात की चिंता करी पहले, और उसके बाद उन्होंने लगातार, कमजोर वर्ग के लोग थे, किसान था, कमेरा था, उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। जब सत्ता में होते थे तो किसान के लिए अच्छे कानून बनाते थे, किसान को कैसे ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए उनके लिए काम करते थे। इस देश के अंदर अगर सबसे पहले किसी ने किसी किसान की फसल खराब होने के ऊपर मुआवजे के रूप में पैसा दिया, तो सन 1977 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस वक्त बहुत भारी ओलावृष्टि और बारिश हुई थी, उसकी वजह से किसान की फसल खराब हुई थी। उन्होंने 300 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजे की शुरुआत इस देश में करी थी। उससे पहले कोई भी आपदा की वजह से किसान की फसल अगर खराब होती थी तो कोई एक नया पैसा सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती। अगर किसान का कर्जा इस देश में किसी ने माफ किया और उसकी शुरुआत करी थी, तो वो शुरुआत भी चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में करी थी। उस वक्त उन्होंने, क्योंकि किसान कर्जे से परेशान था और 10-10 हज़ार रुपये हर किसान के, मजदूर के, छोटे दुकानदार के उन्होंने माफ़ किए थे, और उसके बाद जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो पूरे देश के किसान का 10 हज़ार रुपये तक का कर्जा माफ़ उन्होंने किया। उसके बाद तो लोगों ने अपने वोट हासिल करने के लिए अनेक लोगों ने माफ़ किए होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत जो थी उन्हीं की थी। ट्रैक्टर का गड्ढा अगर किसी ने बढ़ाया तो उन्होंने बढ़ाया। उसके अलावा पेंशन की स्कीम अगर इस देश में किसी ने लागू करी तो वो भी चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी। सबसे पहले उन्होंने हरियाणा प्रदेश में 100 रुपया सन 1987 में पेंशन देकर के इस पेंशन स्कीम को, जितने कर्मचारी उनकी पेंशन तो होती थी लेकिन हमारे यहाँ किसी भी बुजुर्ग की कोई पेंशन नहीं थी, उन्होंने 65 वर्ष की आयु शुरू करी थी, उसको 60 वर्ष पे ला करके उन्होंने उस पेंशन को जारी रखा। आज वही पेंशन हमारे हरियाणा प्रदेश में इस देश में सबसे ज़्यादा है, आज करीब 2250 रुपया आज जो 100 रुपये वाली पेंशन थी उसका मिल रहा है। आज जो बुजुर्ग हैं वो आज किसी पे आश्रित नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है। आज चौधरी देवीलाल ने उनके लिए इतना कर दिया कि वो बड़ी ठाट के साथ ये बात कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों के सहारे से ज़िंदगी नहीं गुजारे, हमें चौधरी देवीलाल की दी पेंशन की वजह से हमारी अपनी एक अलग परिवार में पहचान है। आज किसान जो है, चौधरी देवीलाल ने सारी उम्र किसानों की लड़ाई लड़ी और आज किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। कृषि के 3 ऐसे काले कानून इस देश के प्रधानमंत्री ने बनाए जिसकी वजह से आज करोड़ों की संख्या में किसान जो है अपने अपने ढंग से सरकार को एक आंदोलन के रूप में ये एहसास करा रहे हैं कि आपने जो कानून बनाए वो गलत है। कोई टिकरी के बॉर्डर पे बैठ के करा रहे हैं, कोई सिंगू के बॉर्डर पे बैठ के करा रहे हैं, कोई पलवल के बॉर्डर पे, कोई शाहजहाँपुर के बॉर्डर पे, कोई आपके गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर, जहाँ यहाँ लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं जिसमें 5 वर्ष से 90 वर्ष तक के बच्चों से लेकर के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वहीं कहीं टोल पे बैठ करके भी किसान इस बात का विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा पूरे देश भर के अंदर आज पंचायतों में लाखों लाखों लोग इकट्ठा होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। आज ये जन आंदोलन बन चुका है, इतनी बड़ी संख्या में जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है मानवता के नाते कि सरकार हर तरह की सुविधा आंदोलन करने वाले लोगों को प्रोवाइड कराए। आज हमको ये नहीं है कि अंग्रेज हमारे देश में कोई राज कर रहा है और आज हम उससे कोई आज़ादी मांग रहे हैं, वो हमें फैसिलिटी देने की बजाय हमारे पिलाठियाँ बरसा रहे हैं। आज प्रजातंत्र है, हमारा मुल्क आज आज़ाद है। आज हर बड़े बुजुर्ग की, हर बीमार व्यक्ति की, हर परेशान आदमी की कोई भी दिक्कत है उसकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है, लेकिन आज सरकार बजाय सुविधा देने की आज कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। आज बदलता हुआ मौसम है, इस मौसम के अंदर जहाँ
काल साइड ने अपनी तरफ से हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रखे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत सारी और एनजीओ जैसी हैं जो जगह जगह पे लोगों को सुविधाएं दे करके उनकी सेवाओं में लगी हुई है। वहीं हमारी पार्टी की भी एक जिम्मेवारी बनती थी, क्योंकि चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और हमारी पार्टी पहले दिन से ही इस आंदोलन के समर्थन के खड़ी है। हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है लगातार एक वॉलंटियर के रूप में बिना किसी बैनर बिना किसी झंडे के यहाँ इस आंदोलन में जुटा हुआ है। जहाँ हमारे कार्यकर्ता इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, वहीं कार्यकर्ताओं की तरफ से फीडबैक मिलता है कि यहाँ किस किस तरह से लोगों के सामने दिक्कतें हैं। जहाँ हमने टीकरी के बॉर्डर के ऊपर भी 40 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया, आज वहाँ मेरे ख्याल करीब 400 के करीब ओपीडी है, इतनी करीब ओपीडी आज जो है वहाँ पे भी हमने किसी को दिक्कत ना हो, जहाँ ऑपरेशन तक भी हमने वहाँ पे कोई ज़रूरत है इमीडिएट किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहीं एक हॉस्पिटल के साथ है हमने अपना तय किया हुआ है, वहीं ले जा करके हम उसका फ्री में ऑपरेशन भी करते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, सारी दवाइयाँ मेडिसिन सब कुछ देते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत कहीं पड़े तो फिर हम उसके लिए वहाँ पे एम्बुलेंस रखी हुई है, जिसमें कि मदानता में भेजना है, एम्स में भेजना है, या कोई चंडीगढ़ कोई PGI में भेजना है, तो उस पेशेंट को रोहतक भेजना है तो उसको भी हम उसी वक्त एम्बुलेंस में बैठा करके साथ में डॉक्टर को भेज करके उसको भी तुरंत को इलाज और ट्रीटमेंट उसके लिए हमने हमारी मेडिकल जो सेल है उसकी जिम्मेवारी लगा रखी। इसी तरीके से यहाँ क्योंकि 300 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, वो सब जो जिन लोगों ने शहादत दी है कहीं ना कहीं उनको दिक्कत थी, कोई बीमारी से ग्रस्त था, जोर था, ताकि ऐसे दोबारा इस तरह के हादसे ना हो उनको कैसे बचाया जाए, इसके लिए आज सिंघू बॉर्डर पे भी चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पे हमने एक 40 हॉस्पिटल का फिर 40 बेड का एक हॉस्पिटल बना करके दिया है। इसमें भी हमने हर तरह के डॉक्टर्स रखे हैं, जिसमें आपके सर्जन भी हैं, जिसमें मेडिसिन का डॉक्टर भी है, गायनी की डॉक्टर भी है, और पूरा स्टाफ है ताकि कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे भी कोई अगर किसी को कोई ज़्यादा इस तरह की परेशानी होगी तो उसको हम दूसरी जगह शिफ्ट करने में साथ ही साथ उनको शिफ्ट करेंगे और उनका ट्रीटमेंट भी कराने का काम करेंगे। हमने केवल ये नहीं, हमने एक NGO के रूप में भी जहाँ लोगों को और ज़्यादा दिक्कत थी यहाँ पे, अब जैसे गर्मी बढ़ी तो यहाँ पंखों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जब सर्दी चल रही थी उस वक्त लोगों को टेंट की बहुत बड़ी असुविधा थी, हमने 500 के करीब पहले टेंट भी लगाए जहाँ लोग जाकर के उन टेंटों में रह रहे हैं। उसके अलावा अब इस गर्मी में बढ़ती गर्मी में लोगों के सामने जो परेशानी थी, मच्छर काट रहे थे, हवा नहीं चल रही थी, सोने में दिक्कत आ रही थी, करीब 500 के करीब हमने एडजस्टर फैन दिए, वही 1000 मच्छरदानियाँ भी थी, और उसके अलावा हमने ये हॉस्पिटल बनाया। अब नेक्स्ट जो है आपके ये सब सर 4 महीने बाद क्यों सर ये सब 4 महीने बाद शुद्ध पानी सर पहले भी चाहिए था? नहीं, उस वक्त ठंडा पानी की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल पानी सर, नॉर्मल पानी तो हॉस्पिटल भी हो गया सर, वो सप्लाई तो वो पानी की सप्लाई हमारी पहले तो कैंटरों वाली चल ही रही थी, लेकिन ये वाटर कूलर हम इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों को ठंडा पानी पीने को मिल सके। और सर ये हॉस्पिटल 4 महीने बाद ही क्यों? नहीं, हॉस्पिटल 4 महीने बाद नहीं शुरू किया, हमने हॉस्पिटल शुरू तब किया जब नीड थी, इसकी जरूरत थी, जैसे इसकी जरूरत समझी गई हमने तुरंत जो है हॉस्पिटल खोला। हॉस्पिटल इसलिए कि मौसम बदल रहा था, मौसम बदलते दफा बीमारियां बहुत सारी साथ में आती है, ये कोई इस पे कोई राजनीति नहीं है। हमने मेरे पास इससे पहले 100 बेड का हॉस्पिटल चौधरी देवीलाल के नाम का सिरसा में है, और उस हॉस्पिटल के अंदर भी हम फ्री सेवाएं करते हैं। चौधरी देवीलाल के नाम का एक ट्रस्ट है हमारा, उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, जिसमें 25% बच्चे जो है जो गरीब घरों के बच्चे हैं उनको हम फ्री में एजुकेशन देते हैं, उनको इंजीनियरिंग की क्लासेज में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, डेंटल डॉक्टर बनते हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नीडी है, जिनको जरूरत है, जो अच्छे हैं, हम उनको मुफ्त में ये सारी सुविधाएं देते हैं। आज भी ये जो सब कुछ कर रहे हैं हम चौधरी देवीलाल ट्रस्ट के नाम पे ही उसी NGO के रूप में इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, ये कोई पार्टी की तरफ से नहीं है,
ये उनके एनजीओ के नीचे सारा का सारा, उनके ट्रस्ट के नीचे सारा काम। हमने उनको बहुत दफा ये बात समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हो, तुम चौधरी देवीलाल को ये कहते हो कि भी हमारा चौधरी देवीलाल आइकॉन है, हम चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पे चलने वाले हैं, तो फिर उनको तुरंत रिजाइन करके किसानों के बीच में बहुत पहले आकर के खड़ा होना चाहिए। अब भी आज सवेरे, आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है, आज जिस तरह से सरकार किसान को परेशान कर रही है, कम से कम आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पे उनको बैठ करके इस पे विचार करना चाहिए कि हमें चौधरी देवीलाल को सही मायने में अगर श्रद्धांजलि देनी है तो फिर आज रिजाइन करके आ जाएं किसानों के बीच में, हम भी उनका स्वागत करेंगे, किसान भी मेरे ख्याल उनका खुल करके इस बात को लेकर के स्वागत करेंगे कि भी आपने कम से कम इस वक्त में चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पे ठीक निर्णय ले लिया। अभिषेक जी, क्या चीज़ रोक के रखी हुई है बहुत, क्यों, क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया जा रहा, पर फिर भी कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना जो उनको अभी भी ऐसा लगता होगा कि यार अगर तो सरकार के पक्ष में जाते हैं तो हमारा ही फायदा होगा, हम लोगों की आवाज़ ना। उनकी फाइलें तैयार है सरकार के पास, और जब भी वो कहीं छोटा मोटा सोचते हैं इस बारे में तो मेरे ख्याल वो फाइल दिखा देते हैं कि भाई अगर तुम कहीं इस तरह की हरकत करोगे तो फिर बजाय इस आंदोलन में जाने के सीधे जेल में चले जाओ। तो उन्होंने तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के ले जाके गिरवी रख दिया। हमारे एक यहाँ पे कहावत है हरियाणा में हम जब किसी गांव में जाते हैं, खास करके हमारे परिवार का कोई सदस्य जाता है तो लोगों को हमारे परिवार पे एक बहुत बड़ा भरोसा है, और गांव में जब हम जाएंगे तो गांव की तरफ से गाँव के जितना बड़ा गांव जितनी आबादी है उसके मुताबिक लोग इकट्ठा हो करके गांव की तरफ से पगड़ी हमें भेंट करते हैं, और वो इसलिए भेंट की जाती है कि पगड़ी जो होती है गांव की, वो गांव का सबसे बड़ा सम्मान है। लोगों ने पगड़ी चौधरी देवीलाल को पहनाई, लोगों ने पगड़ी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को पहनाई, लोगों ने पगड़ी मुझे भी पहनाई एक मिनट में आपको बात, लेकिन चौधरी देवीलाल को जो पगड़ी पहनाई उन्होंने उस पगड़ी का सम्मान करके उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रखने का काम किया। चौटाला साहब को जो पगड़ी पहनाई थी 10 साल की कैद कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र करा दी थी, उन्होंने अपनी पगड़ी किसी के कदमों में नहीं रखी, 10 साल की कैद उन्होंने काट ली, और एक पगड़ी दुष्यंत के सर पर रखी थी लोगों ने, जो पगड़ी उन्होंने बीजेपी के ले जाके पैरों में रख दी और बीजेपी वालों ने उस पगड़ी को रौंदने का काम किया। तो ये मान के चलो कि जो जैसा करेगा वैसा आने वाले समय में, तक आज हमारी जो जिम्मेवारी है हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। मुझे किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम अपना एक एनजीओ है, हमारी एक अपनी जिम्मेवारी है, हम किसी को भी जाकर के क्यों कहें कि भी आप हमारी मदद करो, आप हम आपके लिए करना चाहते हैं। हमने चल करके उनसे खुल के कह रखा है कि हमारी आपको जहाँ जरूरत पड़े आप हमें आधी रात भी कोई जिम्मेवारी लगाओगे हम उसको पूरा करेंगे। मैंने उसी दिन कहा था कि ये किसान को परेशान करने का एक नया तरीका है, गांव के अंदर कहाँ इंटरनेट है, गांव के अंदर बिजली पूरी नहीं है तो इंटरनेट चलेगा कैसे, अगर है भी जब नहीं चलेगा इंटरनेट तो उसको मैसेज कैसे जाएगा, कैसे किसान अपनी फसल बेचेगा। आखिर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा, आज ये फैसला किया कि हम गेट पे दे देंगे, ये गेट के ऊपर भी किसान को परेशान करेंगे। किसान की जो पेमेंट जो सेंटर से आई हुई है ये कहीं ना कहीं उसको बैंक में डाल करके उसका ब्याज खाने का काम करेंगे, ये लुटेरे हैं, हमारे प्रदेश में सरकार नहीं है, ये तो लुटेरों का एक बहुत बड़ा गिरोह इकट्ठा हो रहा है जो लगातार इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, हर वर्ग के लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी जी, आप एक आइकॉनिक लीडर हैं और आपकी एक मास फॉलोइंग है, आपने आज देवीलाल जी की पुण्यतिथि पर एक दूसरी सौगात भी दी है अस्पताल की, दूसरे अस्पताल की सौगात दी है हमारे किसान भाइयों को, क्या एक फाइनल संदेश देना चाहेंगे इस देश की जनता को और इस देश के किसान को अपनी तरफ से आज के दिन? मैं तो विशेष रूप से बात कहूँगा कि जितने भी एनजीओ चलाने वाले लोग, उन सब जो भी खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो साधन संपन्न है, उन सबसे ये बात करना चाहूँगा कि आज तुम्हारी जो है बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है, आज
बहुत सारे लोग यहाँ पे, मेरी ख्याल किसी को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सब लोग जो है एक दूसरे के इस तरह से मदद में लगे हुए हैं, इस तरह का भाईचारा जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो साधन संपन्न लोग हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, या जो कोई खेती से तो हर व्यक्ति जुड़ा है, क्योंकि हर व्यक्ति रोटी खाने वाला, उसकी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस आंदोलन के अंदर वो अपनी तरफ से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको किसी तरह की तकलीफ ना आए। क्योंकि आंदोलन कोई भी जो होता है वो कोई जल्दी ख़त्म नहीं हुआ करता। आंदोलन देश आज़ाद कराने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, ये आंदोलन भी मैं मान के चलता हूँ कि लंबा चलेगा। लेकिन किसान जो है इसी कीमत के ऊपर सरकार के आगे नतमस्तक होकर के नहीं जाएगा, सरकार को नतमस्तक करा करके जाएगा। अभय जी, कोविड को कैसे देखते हैं? किसान से मोदी से पूछना, कोविड क्या है वो बताएंगे। किसान से ही तो